IRCTC घोटाला। दिल्ली की एक अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दी जमानत। दिल्ली की एक अदालत ने CBI द्वारा दर्ज IRCTC घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद को जमानत दे दी है। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 1,00,000 रुपए निजी मुचलके पर जमानत मिली है। लालू यादव फिलहाल चारा घोटाले मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद झारखंड के रांची जेल में है। ED की याचिका पर 28 जनवरी को सुनवाई। इससे पहले IRCTC घोटाले से जुड़े दो मामलों में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने इन मामलों में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव की अंतरिम जमानत अवधि भी 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। उस तारीख को अदालत ED के मामले में लालू और अन्य की नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश सुनाएगी। ये मामले IRCTC के दो होटलों के संचालन के ठेके निजी कंपनियों को सौंपने में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े हैं। IRCTC घोटाला। लालू की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक बढ़ी। लालू ने अपने वकील के जरिए नियमित जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत से कहा, मैं समन जारी होने पर हाजिर हुआ और अब मुझे हिरासत में लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी हिरासत उस वक्त नहीं मांगी गई जब जांच चल रही थी। सारे दस्तावेज पहले ही जब्त किए जा चुके हैं और ED ने किसी गवाह पर खतरा होने का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे 69 साल के हैं और अस्वस्थ हैं। वहीं ED ने लालू की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनका अपराध देश की अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से प्रभावित कर रहा है और देश की वित्तीय हालत के लिए एक गंभीर खतरा पेश कर रहा है।